हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं, रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 5 बजे के इस खास पेशकश में, डिबेट में, सीधा सवाल में। कोरोना के खिलाफ हमारी जंग में अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि कोरोना के केस बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हो गई है। जो कोरोना के केस पहले 3 दिन में दोगुने हुआ करते थे वो अब 5 दिन में होने लगे हैं। यानी जो 3 दिन में होता था अब वो 5 दिन में होने लगा है। लेकिन खराब खबर यह है कि कुछ जगह पर लोकल ट्रांसमिशन शुरू हो गया है और इसीलिए हम पहले दिन से कह रहे हैं कि लॉकडाउन में सख्ती जरूरी है। हम ये कह रहे हैं कि कठोर अगर इस वक्त सिचुएशन है तो निर्णय और कदम भी कठोर लेने होंगे। अगर कोरोना से जंग जीतनी है तो हमें सख्ती से ही काम लेना होगा और ये बहुत सोच समझकर हम कह रहे हैं। हमारा आज का कीवर्ड सख्ती है। सख्ती का मतलब यह है कि हम अपने अपने घरों से बाहर ना निकले। सख्ती का मतलब यह है कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो एडवाइजरी, जो आदेश, जो ऑर्डर आपके लिए हैं, उसे हम माने, उसका हम पालन करें। लेकिन सख्ती के नाम पर कहीं कहीं अमानवीय व्यवहार भी हो रहा है। जैसे यूपी के बरेली में सड़क पर लोगों के ऊपर सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल की बारिश कर दी गई। लोगों से सख्ती के नाम पर ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारा मानना है कि लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा का पालन करना चाहिए, होना ही चाहिए। जो ना करे उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। इस तरीके का अमानवीय व्यवहार नहीं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान की तरफ से। यह खबर है, राहत भरी खबर है। राजस्थान के 62 पॉजिटिव केसेस में से 14 अब तक नेगेटिव हो गए हैं। 14 मरीजों की पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई है रिपोर्ट, यानी वो ठीक हो चुके हैं। 4 को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। राजस्थान दिवस भी है आज। एक अच्छी खबर कोरोना पर राजस्थान को लेकर, 14 मरीज जो हैं वो ठीक हो गए हैं, पॉजिटिव हैं। ये पहले खबर आई थी लेकिन अब वो ठीक हो चुके हैं। 14 नेगेटिव हुए 62 केसेस में से। अब तक राजस्थान में 62 केसेस थे पॉजिटिव बताए जा रहे थे, लेकिन उन 62 में से 14 केसेस नेगेटिव, 14 मरीज ठीक हो गए हैं और उनको अब डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन खबर यह है कि 4 को अभी डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। सख्ती काम आई ना इसमें, लॉकडाउन काम आया। सख्ती डॉक्टर की तरफ से, सख्ती प्रशासन की तरफ से और संयम आप लोगों की तरफ से। इसमें बातचीत होगी, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपके लिए। कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी। सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए, परिवार के हर सदस्य के लिए है। ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। घर में रहे, घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। जितनी सख्ती उतनी शक्ति, समझे आप? जितनी सख्ती उतनी शक्ति। ये विजुअल आप देख रहे हैं, मैं इसे आपके लिए डिस्क्राइब करना चाहती हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये डॉक्टर हैं जो कोरोना को इस देश से बाहर फेंक रहे हैं और ये हमारे पुलिसकर्मी हैं जो आपको सख्ती के साथ अंदर रहने की हिदायत दे रहे हैं, अपने घरों में रहने की। आप अगर अंदर रहे, यानी शक्ति और सख्ती कोरोना की तरफ होगी।
इसी पर आज की बहस होने वाली है। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर डी के गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, फेलिक्स अस्पताल नोएडा में है चेयरमैन है उनके। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता। हमारे साथ आर के तिवारी साहब जुड़ चुके हैं जो कि मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश के। आर के तिवारी साहब, आई एम रियली हैप्पी कि आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इस डिबेट में। और एम एस रंधावा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता हैं। आप समझ गए हैं ना, आज की तारीख में ये वो तीन बुलंद पिलर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्हें इस वक्त कोरोना से लड़ना है, बाहर रहकर लड़ना है, आपको घर में रहकर संयम बरतना है। सबसे पहले आर के तिवारी जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूं। ये जो सुबह तस्वीरें आई, देखिए हम टोटली इस बात में विश्वास रखते हैं कि सख्ती बहुत जरूरी है, हर एक नियम का पालन बहुत जरूरी है, जो नियम का पालन ना करे उस पर एक्शन जरूरी है। लेकिन वो जो तस्वीरें बरेली से आई वो तो मुझे नहीं लगता सख्ती है, मुझे लगता है वो अमानवीय है। तिवारी साहब आपको क्या लगता है? देखिए मुझे अभी भी जानकारी इसकी मिली है और मैंने जिलाधिकारी से कहा है कि इसकी जांच करेंगे, ओके, दिखवाएंगे और जांच करने में अगर ये कहीं कोई बात ऐसी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर इस वक्त इस तरीके के जो टफ हालात है उसमें आपकी तरफ से अगर ऐसा कुछ होता है, आदेश दिया जाना, मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है। एक सेकंड के लिए रोकूंगी आपको क्योंकि अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेरे ख्याल से सुनना चाहिए। सिविल प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि उनको ये तय करना है कि उनके क्षेत्र में कोई भी लोग बाहर ना निकलें और अपने गांव में जाने के लिए ना निकलें। इस सख्ती की वजह से पूरे दिल्ली के अंदर लोगों के सड़क पे जाने का सिलसिला बंद हो गया है। मुझे ये भी खुशी है कि लोग अफवाहों की तरफ ध्यान अब कम दे रहे हैं, पहले बीच में जितनी अफवाहें फैली थी। थोड़ा चिंता का ये विषय है कि दिल्ली के आसपास के राज्यों से बॉर्डर के ऊपर अभी भी काफ़ी लोग अंदर दिल्ली के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दिल्ली क्रॉस करके वो फिर उधर से गाज़ियाबाद की तरफ या नोएडा की तरफ निकल सकें, लेकिन वहाँ भी बॉर्डर के ऊपर पुलिस और सिविल प्रशासन मिलके उनको वहाँ पे रोक रहा है और दिल्ली के बॉर्डर पे गश्त बड़ी सख्त कर दी गई है, जिसकी वजह से अब ये जो शुक्रवार और शनिवार को समस्या थी वो अब नहीं है। मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अभी अफवाहों पे किसी भी तरह से भरोसा ना करें, कोई भी अफवाहों पे भरोसा ना करें। दूसरी चीज ये कि कुछ राशन वाले, अभी अभी 10 मिनट पहले मेरे पास फोन आया, हमारे जो खाद्य मंत्री हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से जनकपुरी पे वो पूरे दिल्ली के अंदर राशन की दुकान। तो देखा आपने, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल वो भी इस वक्त सख्ती की ही बात कर रहे हैं। आर के तिवारी साहब हमारे साथ बने हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, एम एस रंधावा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं और डॉक्टर गुप्ता फेलिक्स अस्पताल के सीएमडी वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन तिवारी साहब आपने बताया कि आप आदेश देंगे उन तमाम लोगों के खिलाफ, फिर एक्शन होगा अगर ये खबर सही पाई गई है तो। और सर मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है, लेकिन मैं आपकी तरफ से भी ये जानना चाह रही हूँ तिवारी जी कि आप लोगों को किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। मैं समझ सकती हूं कि मेरे लिए बड़ा आसान है यहां बैठकर यह कहना कि आपने ये गलत किया, आपने ये सही किया। देखिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और हमें सभी का पूरा सहयोग मिल रहा है, जनता का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और लोग स्वप्रेरणा से अपने अपने घरों में रह रहे हैं। हमें सब मिलजुल करके हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि इस कोविड-19 को हराने की लड़ाई में हम अब सफल होंगे। दिक्कतें क्या आ रही है तिवारी जी, किस तरीके की परेशानियां सरकार को, प्रशासन को इस वक्त देखनी पड़ रही हैं या महसूस करनी पड़ रही है? देखिए जैसा मैंने बताया ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इस समय लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन की स्थिति में हमारी सरकार का ये संकल्प है कि हम लोग हमारे पूरे प्रदेश में ना कोई निराश्रित रहे ना ही कोई भूखा रहे, तो हम लोग
होम डिलीवरी के माध्यम से सब जगह आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, सब जगह चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती हमारी ये है कि जो कोविड 19 का संक्रमण है ये ना हो और ये इस पर हम जल्दी जल्दी नियंत्रण प्राप्त कर सकें। और वो तमाम जो पलायन कर रहे हैं सरकार की तरफ से, ये तो आदेश दे दिए गए हैं तिवारी साहब के उनको क्वारंटीन में होना होगा, लेकिन क्या उसके लिए तमाम फैसिलिटीज हैं? जिन गांव में वो जा रहे हैं, जिन टाउन्स में वो जा रहे हैं, क्या वहां पर पूरी तैयारी है सरकार की तरफ से? क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां, हमारे प्रदेश में लोगों को ठहरने की, उनके खाने पीने की, उनके इलाज की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। कम से कम 600 शेल्टर्स पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं। इसी वजह से हमारे प्रदेश में दिल्ली से, राजस्थान से और कई प्रदेशों से हजारों लोग, कुल मिला के लाखों लोग हमारे यहाँ आए हैं दूसरे प्रदेशों से। लेकिन हमारे प्रदेश से, हमारे प्रदेश में भी बहुत सारे अन्य प्रदेशों के लोग रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से ना कोई पलायन हुआ है। और जो दूसरे प्रदेशों के हमारे भाई बहन हैं उनका हम पूरा ख्याल रख रहे हैं, किसी को ना भोजन की समस्या होने दे रहे हैं, ना किसी को इलाज की समस्या होने दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह की हमने कोई समस्या नहीं उत्पन्न होने दी है। क्या आप मुझे संख्या बता सकते हैं क्वारंटीन सेंटर्स की, तिवारी जी, ये पॉसिबल हो पाएगा आपके लिए? देखिए, जैसे मैंने बताया, करीब हमने 600 से अधिक शेल्टर होम कल तक बना लिए थे और लगातार बढ़ती जा रही है इनकी संख्या। हम इतनी संख्या में शेल्टर होम बनाएंगे कि कोई भी आदमी निराश्रित ना रहे, और जो लोग भी हमारे बाहर से आए हैं उन सभी को हम शेल्टर होम में क्वारंटाइन में रख रहे हैं, उनकी मेडिकल जांच कर रहे हैं ताकि कोविड 19 समाज में संक्रमित ना होने पाए। तिवारी जी, और किस तरीके की तैयारियां सरकार की तरफ से है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 20 करोड़ है और हम लगातार फ्लैटनिंग द कर्व की बात कर रहे हैं, किस तरीके से और वो तमाम संसाधनों का और एहतियात का आप लोग ख्याल रख रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने शुरू से ही इसका बड़ा ख्याल रखा है। 22 तारीख से ही यहाँ पे जिन क्षेत्रों में केसेस पॉजिटिव पाए गए थे वहां पे लॉकडाउन किया गया था, और सरकार ने समाज के सभी वर्गों को लेकर के, धर्माचार्यों को लेकर के, सामाजिक नेताओं को लेकर के, प्रबुद्ध नागरिकों को लेकर के, डॉक्टरों को साथ में लेकर के, सबके सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग को और क्वारंटाइन को लागू किया है। इसके अलावा पहले हमारे प्रदेश में केवल टेस्टिंग की एक ही लैब थी, आज हमने इसको बढ़ा के 8 लैब कर ली हैं और हमारी टेस्टिंग क्षमता 1000 से अधिक पर डे की हो गई है। इसके अलावा हमने अपने यहाँ जितनी भी लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता है, चाहे वो मास्क हों, चाहे दवाइयाँ हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे प्रशिक्षण करने की बात हो, इन पे पहले से ही एक कार्ययोजना बना ली है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 11 अलग अलग कमेटियाँ बनाई गई हैं जो विभिन्न चीज़ों पर निगाह रखे हुए हैं। हमारे यहाँ जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनको 1000 रुपये प्रतिमाह की धनराशि दी गई है, और अभी 9 लाख मजदूरों को हाल ही में ये धनराशि दी गई है। मनरेगा मजदूरों को आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 611 करोड़ की धनराशि 25 लाख से अधिक मजदूरों को आज दी गई है। तो इस तरह से हम लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जहां चिकित्सीय व्यवस्था में कोई कमी ना हो, वहीं लोगों के सहयोग से हम सोशल डिस्टेंसिंग को और इसका प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इस महामारी पे काबू पाएं। तिवारी जी, पलायन को लेकर जो खबरें आ रही थी और उसमें दो तरीके के विचार आए थे। हाँ, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हमारे जो उत्तर प्रदेश के निवासी अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं उनकी मदद पहुंचाने के लिए, ताकि उनमें कोई हड़बड़ी या उन्हें कोई आशंका या कोई पैनिक ना हो, उसके लिए 16 प्रशासनिक अधिकारी और 16 पुलिस अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तैनात किए गए हैं, जो प्रत्येक प्रदेश में हेल्पलाइन के माध्यम से वहां के नागरिकों से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं को संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से सुलझा रहे हैं। और
दूसरे प्रदेशों के जो निवासी हमारे प्रदेश में हैं उनसे भी अधिकारी संपर्क कर रहे हैं, ताकि ना तो हमारे प्रदेश में दूसरे प्रदेश के निवासी, ना ही हमारे निवासी दूसरे प्रदेशों में किसी मुसीबत में हों या कोई कठिनाई का सामना करें। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की संख्या, नर्सेस की संख्या, टेस्ट करने के लिए सुविधाएं, ये सब की सब बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार है सर? मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं कि खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर हालात और खराब होते हैं तो उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है निपटने के लिए? आपके पास उतने वेंटिलेटर्स, उतने बेड, उतने अस्पताल, उतने डॉक्टर्स मौजूद हैं? लगातार हम कोविड हॉस्पिटल्स को स्थापित कर रहे हैं। हमने 3 स्टेजेस पे, लेवल 3 पर, लेवल 2 पर, लेवल 1 पर हमने डिफरेंट टाइप के कोविड हॉस्पिटल्स तैयार किए हैं। लेवल 1 पर हमने जो CHCs हमारी हैं उन पे बनाए हैं, लेवल 2 पर हमने जिला अस्पतालों में और कुछ मेडिकल कॉलेज में बनाए हैं, और लेवल 1 पर जो हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर हमने बनाया है। निरंतर हमने जो निजी मेडिकल कॉलेज हैं, निजी अस्पताल हैं, उनमें भी हमने कोविड के वार्ड्स बनाए हैं, और बाकी सभी चीजों की हम निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। और इसी कारण से अब तक हमारे यहाँ जो कोविड के पॉजिटिव केसेस आए हैं वो वही केसेस आए हैं जो विदेशों से लेके आए हैं। अभी हमारे यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ पे कि सोशल ट्रांसमिशन हो। ओके तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। पर मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि रंधावा साहब भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर गुप्ता भी हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं चाहती हूं कि उनका जवाब आप दें एक रिस्पॉन्सिबल सीट पर होने के नाते। लेकिन इस बीच निजामुद्दीन से एक बुरी खबर आई है। बड़ी खबर यह है कि यहां करीब 200 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, उन्हें अलग अलग अस्पताल ले जाया गया है। एक धार्मिक प्रोग्राम में भाग लेने के बाद इनमें कोरोना की ये लक्षण दिखे हैं। इस वक्त निजामुद्दीन से ये बड़ी खतरनाक खबर आई है। प्रफुल्ल श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, कहां की ये खबर, मतलब कहां का ये प्रोग्राम था और उसके बाद कैसे पता चला? प्रफुल्ल से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर और बुरी खबर है। निजामुद्दीन इलाके में 200 अलग अलग लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, संदिग्ध मरीजों को अस्पताल ले जाया गया है, और खबर यह है कि ये किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पहुंचे थे। हिस्सा लेने के बाद इनमें ये लक्षण दिखाई दिए हैं। 200 लोग कोरोना के लक्षण, निजामुद्दीन इलाके में, सभी संदिग्धों को अस्पताल में ले जाया गया है, अलग अलग अस्पतालों में इन्हें भर्ती करवाया गया है। प्रफुल्ल श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। प्रफुल्ल, ये कौन सा धार्मिक कार्यक्रम था, कब हुआ था और कितने दिनों बाद ये लक्षण मिले हैं इन लोगों में? देखिए, अभी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक अब से हाल फिलहाल में ये कार्यक्रम हुआ था, जिसके बाद अब कल रात को LNJP अस्पताल में 85 लोगों को निजामुद्दीन अस्पताल में लाया गया है। उनके स्वैब्स कलेक्ट किए गए हैं, यानी उनके टेस्ट कराए गए हैं। वहीं जो और बाकी लोग हैं उनको भी दिल्ली के अलग अलग अस्पताल में, जहाँ क्वारंटीन फैसिलिटीज हैं, वहाँ ले जाया गया है, जहाँ उनके सैंपल्स जो हैं वो टेस्ट किए जा रहे हैं। क्वारंटीन में इनको रखा गया है। और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है, यानी इन लोगों के संपर्क में आए हुए जो लोग हैं उनकी यहाँ पर एक लिस्ट बनाई जा रही है, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह अगर नहीं करेंगे तो फिर ये जो ट्रांसमिशन है ये आगे फैल सकता है। तो इसको रोकने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है वो प्रक्रिया इस समय चल रही है, और ये जो संख्या है ये बढ़ सकती है। तो फिलहाल 85 लोगों को अकेले दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बाकी और अस्पताल जो दिल्ली में क्वारंटीन के लिए हैं, जिसमें RML है, इन तमाम जगहों पर उन लोगों को अलग अलग ले जाया गया है। ओके प्रफुल्ल, बहुत बहुत शुक्रिया, इस पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम टच में रहेंगे। हमारे साथ MS रंधावा साहब भी जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। रंधावा साहब, ये जो खबर आई है ये बहुत शानदार खबर तो नहीं है, ये चिंतित करने वाली खबर है, ये मैं इसे स्टेज 2 वाली खबर कह सकती हूँ क्या? क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन वो तभी तो शुरू होता है जब आप धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्या मैं इसे ये कह सकती हूँ स्टेज 3? नहीं, अभी ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि आपने जब कहा है कि उनमें लक्षण पाए गए हैं, पहले जैसे कि प्रोटोकॉल है, SOP है, उनको वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। अभी मैं और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लेता हूँ। ये बेसिकली वहाँ एक मरकज़ है और वहाँ से इनको रिमूव करके इनके पहले टेस्ट होंगे और उसके बाद ही कुछ नतीजे पर पहुँचा जा सकता है। अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये कौन सी स्टेज है। अभी इनको हम जो SOP है कि इनको क्वारंटाइन कर रहे हैं,
और उसके बाद जब टेस्ट होंगे उसके बाद ही कुछ कहना ठीक रहेगा। चूंकि रंधावा साहब ये कह रहे हैं कि कुछ और जानकारी वो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी एसओपी है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, जिसके चलते अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि सबके सब पॉजिटिव है, इनमें लक्षण पाए गए हैं। डॉक्टर गुप्ता भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुप्ता, 200 में लक्षण पाए जाना, क्या मैं इसे खतरनाक कह सकती हूँ? नहीं, लक्षण पाया जाना किसी बीमारी का प्रूफ नहीं होता, क्योंकि लक्षण हो सकता है फ्लू के भी हों, बट जब तक एक रिपोर्ट कन्फर्मेटरी पॉजिटिव नहीं आएगी तब तक नहीं कह सकते। हाँ, अगर बिकॉज इस समय माहौल ऐसा बना हुआ है कि हर बंदा सस्पेक्ट है, हर लक्षण सस्पेक्ट है, तो हमें बड़ी ही सावधानी से ध्यान रखना चाहिए, इन लोगों को आइसोलेट करके, क्वारंटाइन करके। इनकी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग मिल गए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट जो रह गए जिनके लोग कॉन्टैक्ट में है उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई पॉजिटिव आता है और उनको हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो लोग फिर दूसरे लोगों को और लाएंगे और फिर हमारे लिए स्थिति ज्यादा चिंताजनक हो जाएगी बाद में। Exactly. पता है ये निजामुद्दीन की जो खबर है ना, ये प्रूफ करती है उस पॉइंट को रंधावा साहब, जिसको बार-बार हम प्रेस कर रहे हैं कि सख्ती बहुत जरूरी है। यहां पर अब ये डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि पुलिस को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से पता, और स्पेशली जब देश इस हालात से गुजर रहा है, तो हम जब ये कह रहे हैं सख्ती, तो लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि सख्ती का मतलब क्या है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है कि सख्ती होना बहुत जरूरी है, और डे वन से आपको जैसे पता है कि दिल्ली पुलिस ने पूरा सख्त इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है। अभी तक आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि 1500 से ऊपर हम आईपीसी के अंडर केस दर्ज कर चुके हैं। अच्छा। इसके अलावा 38,000 के आसपास हम दिल्ली पुलिस एक्ट में बुक कर चुके हैं। 5,500 से 6,000 हम गाड़ियाँ सीज कर चुके हैं, और जगह जगह पर हमारी डिप्लॉयमेंट है, हमारे तमाम सीनियर ऑफिसर्स फील्ड पे हैं, वो जहां भी कोई वायलेशन नजर आ रही है उसके खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि मान लीजिए जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो भी नॉर्मल चलती रहे, लेकिन कोई भी बाहर ना आए, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है और उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। अगर आप दिल्ली की रोड्स में देखेंगे भी तो आपको बिल्कुल मिलेगा कि यहां बिल्कुल जो लॉकडाउन है उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और इसको हम सीरियस वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और जिसमें भी हमें तमाम किसी भी सिविक एजेंसीज की जरूरत होती है उससे हम खुद बात करते हैं और इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, रंधावा साहब, एक और बड़ी खबर निजामुद्दीन से आ गई। डॉक्टरों की एक बड़ी टीम जो है निजामुद्दीन पहुंची है। निजामुद्दीन इलाके में 1, 2, 3 नहीं, 200 मरीजों में, 200 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, और WHO का एक अधिकारी भी इस वक्त वहां निजामुद्दीन इलाके में मौजूद है। लेकिन MS रंधावा, जो कि दिल्ली पुलिस के स्पोक्सपर्सन है, वो हमें ये बता रहे हैं कि देखिए ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, SOP है, ये करना जरूरी है अगर वहां पर किसी तरह का कोई लक्षण पाया जाता है, क्योंकि ये जो लक्षण है ना, ये कॉमन फ्लू के ही लक्षण होते हैं, आपको ये बात समझनी चाहिए। दिल्ली में इस वक्त 200 लोगों में कोरोना के लक्षण है, ये निजामुद्दीन इलाके में, ये किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे और उसके बाद शिकायत हुई, किसी को सांस में तकलीफ की शिकायत हुई, किसी को बहुत ज्यादा बुखार हो गया, किसी को कोई और लक्षण दिखा, और उसके बाद अलग अलग अस्पतालों में इनको भर्ती करवाया गया है। फिर बता दूं मैं आपको, हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, हमारे साथ MS रंधावा साहब मौजूद है। रंधावा साहब, आप ये बोल रहे हैं सख्ती जरूरी है, आईपीसी की धारा में 1500 लोगों को बुक किया गया है, आप ये बता रहे हैं कि 38,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस एक्ट में बुक किए जा चुके हैं, 5,000 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो आपने जब्त कर ली है, इसके बावजूद लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपके जितने भी ये पुलिस वाले हैं, पिकेट्स हैं, वो सब वहां अलग अलग जगह पर जाते होंगे, ये लोग क्या बता रहे हैं, इनको कोरोना डरा क्यों नहीं रहा है? बिल्कुल, इसमें कई जगह पे मेजॉरिटी तो दिल्ली वासी हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन कई जगह से शिकायतें आ रही हैं जैसे आपने कहा, और इनको हम समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं। और मान लीजिए कि जो समझ रहा है उनके, फिर हम जो जितने भी वहां के लोकल लीडर्स हैं उनकी भी मदद ले रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू उनको बताया जा रहा है, आपके माध्यम से, प्रिंट मीडियम के माध्यम से उनको बताया जा रहा है। और इसके बावजूद भी जो नई बात मानता उसके खिलाफ हम सख्त जो है लीगल एक्शन ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा, अभी काफ़ी जो मेजॉरिटी दिल्ली वासी हैं वो अभी हमारा कॉपरेट कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं फिर अपील करना चाहूँगा कि बेसिकली जो लॉकडाउन है इसका बेसिक पर्पज़ जो है सोशल डिस्टेंसिंग है, ताकि जो COVID-19 वायरस की चेन है उसको तोड़ सकें। ये आपके हित में है, आपकी फैमिली के हित में है, देश के हित में है। आपसे अपील है कि आप दिल्ली पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें,
अदरवाइज जिस तरह हम जो वायलेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं वो लगातार जारी रखेंगे। अच्छा, मैं अभी एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, लेकिन तमाम वो जो दर्शक है, डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ डे वन से जुड़े हुए हैं और डे वन से वो ये बात कह रहे हैं कि देखिए इस बीमारी से थोड़ा डर जाइए, ये जो बेखौफ होकर बेफिक्रे होकर आप घूम रहे हैं, छठा दिन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूज टू हो जाए। जिस दिन आप यूज टू हो गए उस दिन आप ढीले पड़ जाएंगे, आप लड़ नहीं पाएंगे। आपको लड़ना जरूरी है इस कोरोना से, डरना जरूरी है। निजामुद्दीन की खबर आप देख लीजिए, निजामुद्दीन में 200 लोगों में लक्षण पाए गए हैं, किसी धार्मिक प्रोग्राम में ये लोग हिस्सा लेने के लिए। मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका, जैनेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा जैनेन्द्र का रुख करते हैं। जैनेन्द्र, और जरा डिटेल में बताइए क्या खबर मिल रही है, ये निजामुद्दीन में 200 लोगों में लक्षण पाए गए हैं, कैसे शुरुआत कैसे ही? देखिए रूबिका, ये जांच का विषय है कि शुरुआत कैसे हुई और इन्फेक्शन कैसे फैला, लेकिन ये काफी बड़ा मामला बन गया है। फिलहाल निजामुद्दीन में हम उस इलाके में मौजूद हैं और निजामुद्दीन एक धार्मिक स्थल है रूबिका, आप जानती हैं, हम सब जानते हैं, और यहाँ पर एक मरकज है और जहाँ पर कि देश और विदेश से श्रद्धालु जो है वो इकट्ठे होते हैं, और बताया जाता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी भी मौजूद है जिनमें विदेशी भी हैं, और इन सबको यहां से हटाने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है, खाली करवाया जा रहा है। अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुरक्षित एक दूरी से यहां पर डॉक्टरों की एक बड़ी टीम मौजूद है, और जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1400 लोग मौजूद है जिनमें से कि 300 लोग विदेशी हैं, दक्षिण भारत से भी हैं, और बताया जा रहा है कि 300 लोग ऐसे हैं जिनमें कि कोरोना के लक्षण जो है वो पाए गए हैं, या फिर जो लक्षण उनमें पाए गए हैं उनमें सिमिलैरिटी है कोरोना से। तकरीबन 200 लोगों को यहां पिछले एक हफ्ते में खाली करवाया गया है, और अभी भी यहां पर लोगों को खाली करवाया जा रहा है, लोगों को यहां से हटाया जा रहा है। डॉक्टरों की एक बड़ी टीम मौके पर मौजूद है, WHO की भी एक अधिकारी यहां पर मौजूद है डॉक्टरों की टीम के साथ। और अब मैं कैमरा जो है वो दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन अजय तिवारी जी से कहूंगा कि कैमरा दूसरी तरफ दिखाएं। ये देखिए, ये आप एक DTC की बस देख रही हैं जिसमें ये लोग जो बैठे हुए हैं ये सभी इसी मरकज में आए थे, और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बताएंगे आप लोग कहां से आए हैं? तमिलनाडु सेलम। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों को कहाँ लेके जाया जा रहा है? पता नहीं, मालूम नहीं मालूम। क्या आप लोगों की तबीयत खराब है? सीने में सर्दी है। अच्छा, कब से सर्दी है? 4 दिन से। अंदर में कितने लोग हैं? मालूम नहीं मालूम। आप कहाँ से आए? हरिद्वार। हरिद्वार से कितने लोग हैं अंदर मरकज में? कितने लोग हैं? क्या करने आए थे आप लोग यहाँ पे? जमात में आए थे। कब आए थे? एक हफ्ता हो गया। कितने लोग आए थे जमात में? काफी है, हम आए थे 8। बहुत सारे लोग आए थे, विदेश से भी लोग आए थे? आए थे। तो रूबिका, ये देखिए एक बस है जिसमें कि लोगों को बैठाया गया है और इन्हें अस्पताल जो है कि वो ले जाया जाएगा। और कल रात ये खबर आई कि तकरीबन 85 लोग निजामुद्दीन इलाके के हैं जिन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और अब जो सूचना मिल रही है वो ये कि बड़ा मामला है, तकरीबन 1300 लोग हैं जिस इलाके में ये इन्फेक्शन फैलने का खतरा है, और 300 लोग ऐसे हैं जिनमें ये लक्षण पाए गए हैं। हमने जिन लोगों से बात की, तमिलनाडु से, हरिद्वार से लोग थे, कह रहे हैं कि हाँ सर्दी खांसी है, और अब ऐसे में जो स्थिति है वो अहम हो गई है, और इसी के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस की टीम है। एक चीज बताइए जैनेन्द्र, ये जो इलाका है ये निजामुद्दीन दरगाह से कितना दूर है? आप कह रहे हैं मरकज है, मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, मरकज का मतलब होता है सेंटर, यानी आप जब किसी जमात से जुड़े हुए होते हैं, आप उस जमात में कुछ दिन बिताने के लिए आदान प्रदान होता है, जितना भी आप कुरान से लेकर हदीस से लेकर जितनी भी चीजें होती है उसका आदान प्रदान करने के लिए अलग अलग राज्यों से लोग जाते हैं। मेरे ख्याल से ये कोई जमात है जहां पर मरकज, यानी फिर कह दूं सेंटर, उस सेंटर में ये लोग पहुंचे थे। रंधावा साहब, ये पहुंच कैसे गए? आई डोंट थिंक, ये तो अलाउड नहीं है ना सर, इन लोगों ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, ये कैसे इकट्ठा हो गए? जैसे कि मैंने आपको पहले भी नहीं, जैसे मैं आपको बताया कि अभी इन्फॉर्मेशन मैं अभी इकट्ठी करूंगा, लेकिन ये एक मरकज है, जैसे आपको पता है जमात आती है
और वहाँ ये जैसे आपके माध्यम से मैं भी सुन रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि एक हफ्ता या कितने दिन पहले आए, ये अभी हम चेक करते हैं, लेकिन वहाँ जमात में कुछ लोग आए और वहाँ जो है वो सिम्टम्स देखे गए, उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन लेके फिर ही आपसे हम शेयर कर पाएंगे। ओके, और मैं आपको इतना वक्त इस चीज के लिए दे भी सकती हूँ, देना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी बात यहाँ पर हवा में नहीं उड़ जानी चाहिए, बहुत समझकर सोच परख कर हमें इस पर रिपोर्टिंग भी करनी है। और बकायदा रंधावा साहब जो कह रहे हैं उसके साथ मैं अग्री करती हूँ। जैनेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वहां निजामुद्दीन इलाके से। जैनेन्द्र, फिर जानना चाहती हूँ निजामुद्दीन का ये कौन सा इलाका है और ये दरगाह से कितना दूर है, और आप पीछे मुझे तो बहुत एक्शन होता हुआ दिख रहा है, क्या पूरे इलाके को अब ये बैरिकेड कर लेंगे? बिल्कुल 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 रुबिका, ये बहुत बड़ा इवैक्यूएशन जो है वो चल रहा है। जहां तक आपने दरगाह की बात की तो रुबिका, आपको ध्यान होगा कि निजामुद्दीन इलाके में जब हम आते हैं एक बड़ा सा गोल चक्कर है, नीला गुंबद है, तो नीला गुंबद मेरे पीछे है, तकरीबन 100 से 150 मीटर पीछे है, और उससे उसके साथ में जो दरगाह वाली गली है, जो जिस सड़क से होकर के हम दरगाह जाते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन संजय तिवारी जी से कहूंगा वो कैमरा पैन करे, देखिए ये आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा पीडब्ल्यूडी का, दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया, तो यही वो गली है, यही वो रास्ता है जिससे जो कि दरगाह तक को जाता है। और यहां स्थानीय लोगों ने मुझे बताया है कि जिस जगह पर ये लोग रुके हुए थे, जमात के लोग जो रुके हुए थे, वो दरगाह से बिल्कुल पास में ही है, और बताया जा रहा है कि 100 मीटर के अंदर ही की ये दूरी है। तो ये निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है काफी प्रसिद्ध है मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए, गैर मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जो है वो आते हैं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। तस्वीरों में ड्रोन भी देख पा रहे हैं, ये ड्रोन क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ड्रोन्स क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल रुबिका, ड्रोन उड़ाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है, मैं कोशिश करता हूँ बात करने की। सर बस ये बता दीजिए ड्रोन क्यों उड़ाया जा रहा है? ड्रोन उड़ाने की जरूरत है, एसीपी से पूछो, आप बता दीजिए ना थोड़ा सा। तो देखिए रुबिका, जो एक मोटी समझ है एक उससे मैं ये कह सकता हूँ कि टॉप एंगल व्यू लेने के लिए, ताकि एक एक आइडिया लेने के लिए कि किस तरीके की बसावट है, किस तरीके के लोग हैं, कितने फ्लोर की बिल्डिंगें हैं, आसपास की कौन कौन सी बिल्डिंगें हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए मुझे मेरे ख्याल से वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। एमएस रंधावा साहब, ड्रोन का इस्तेमाल निजामुद्दीन इलाके में किस वजह से हो सकता है? ये एग्जैक्ट पर्पज तो मुझे अभी चेक करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली जैसे हम ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो मूवमेंट वगैरह जो हो रही है उसकी चेक करने के लिए करते हैं, और उसमें आसपास कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही, कोई लोग तो नहीं आ रहे, इसकी वजह से हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टॉप से हमें व्यू अच्छा मिल जाता है, जो तंग गलियाँ होती हैं कई बार उनसे व्यू मिल जाता है। तो इस जगह में क्यों किया जा रहा है ये अभी मैं चेक करता हूँ, लेकिन मूवमेंट को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल उसी लिए ये ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। धन्यवाद, बने रहिएगा। डॉक्टर गुप्ता, जैनेन्द्र लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लेकिन ये तो बहुत चिंता में डालने वाली बात है। निजामुद्दीन की जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही है, ड्रोन्स पहुंच चुके हैं वहां पर, बसों में बैठे लोग ये बता रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से उनको बुखार था, उनकी तबीयत खराब थी, अब इन लोगों का होगा क्या? मैं तो निजामुद्दीन इलाके के लिए चिंतित हूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम, मैं कल भी आपको बता रहा था, कोई सरकार कोई पुलिस इस पे कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक हमारे धर्मगुरु जागरूक नहीं होंगे। इस तरह जब इतने दिन पहले ऑर्डर आ चुका है कि 10 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ऐसी भीड़ हमारे धर्मगुरुओं ने हमारे लोगों ने क्यों इकट्ठी की, और सरकार ने क्यों नहीं देखा, दिल्ली सरकार ने इसको क्यों नहीं देखा? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप करो ना, इनका क्या होगा, ये लोग 14 दिन की क्वारंटाइन में जाएंगे, ठीक है, इनमें अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो हमारे लिए बहुत बुरी खबर होगी, तो उसके बाद सारे कॉन्टेक्ट ट्रेस करने पड़ेंगे, और इतना डिफिकल्ट काम है, इतने रिसोर्सेज इतने संसाधन नहीं है सरकार के पास, मैंने बता नहीं खाली भारत सरकार नहीं, दुनिया में किसी भी सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है। तो इसलिए हम सबको जागरूक होना चाहिए, पूरी जनता जनार्दन को जागरूक होना चाहिए। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, बल्कि मैं पूरी जनता से पूछता हूं, जब हम लोग गुलाम थे, जब हम लोग आजादी की लड़ाई कर लड़ रहे थे, तब किस सरकार ने हमसे आके कहा था कि लड़ना है और हमें आजाद होना है? तो ये लड़ाई शायद उससे भी बड़ी, मैं बताना चाहूंगा, हमें कोरोना मुक्त होना है, पहले हमें अंग्रेजों से मुक्त होना था, अब हमें कोरोना मुक्त होना है। तो खाली सरकार के भरोसे मुक्त नहीं होना है, सरकार नहीं कर सकती, इतनी मेहनत नहीं कर सकती, उनके पास अपने लिमिटेड संसाधन है, और वो लोग कर रहे हैं। सरकार को पुलिस को अगर कटघरे में खड़ा करना है, अगर किसी तरह की कोई सवाल है तो वो बाद में देख लिया जाएगा ना सर, पहले तो निपट लेना है इस दुश्मन से।
पहले दुश्मन से निपटना जरूरी है, बाद में अंदर में अंदर क्या हुआ कैसे हुआ उस पर चर्चा हो सकती है। सर, नोएडा से एक बड़ी खबर आ गई है। नोएडा के सीज फायर कंपनी वाले मामले में योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के डीएम की जमकर क्लास लगाई है। डीएम ने इस घटना के बाद मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि मुझे 3 महीने की छुट्टी पर भेज दिया जाए। नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। नोएडा से डीएम नोएडा जो है उनसे नाराज है मुख्यमंत्री। कोरोना अलर्ट के बावजूद नोएडा में कमजोर तैयारियों से सीएम खफा हो गए। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस जो है वो नोएडा में ही सामने आए हैं और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने सख्ती भी दिखाई, गुस्सा भी दिखाया, नाराजगी भी दिखाई और नोएडा के डीएम ने उसके बाद छुट्टी मांगी है। मुख्य सचिव कुछ चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी ये देखिए आप हमारे सामने है। कृपया अवगत कराना है कि व्यक्तिगत कारणों से मैं जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर के पद पर नहीं रहना चाहता हूं, अतः जिला अधिकारियों के पदीय दायित्व से मुक्त करते हुए 3 मई का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने का कष्ट करें, क्योंकि वर्तमान में COVID-19 को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की प्रशासनिक शिथिलता ना हो, इस हेतु आवश्यक है कि जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर के पद पर किसी अन्य अधिकारी की तैनाती करने का कष्ट करें। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुस्सा दिखाया। रणवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रणवीर, क्या है पूरा मसला और इतनी सख्ती कि नोएडा के डीएम को चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि मुझे छुट्टी पर भेज दीजिए? रणवीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 बिल्कुल। बताइए। जी अपना सवाल दोहरा देंगी। रणवीर, मैं कह रही हूँ कि पूरा मामला जो है जरा दर्शकों को बताइए कि मुख्यमंत्री की इतनी सख्ती कि डीएम नोएडा को चिट्ठी लिखकर ये कहना पड़ता है, वो भी इन हालातों में, कि मुझे आप अवकाश पर भेज दीजिए। बकवास मत बंद करो अपना। बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना, और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहां पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। बकवास मत बंद करो अपना। बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। यहां पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना, और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहां पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। ये सुन रहे हैं आप, सिर्फ कहा नहीं है हमें किसी ने, तस्वीरें हैं, बकायदा आवाज के साथ वीडियो है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुस्से में हैं। बकवास मत कीजिए हमारे साथ, इसी बकवास के चलते हम परेशानी में फंस गए हैं। 2 महीने पहले हमने तैयारियों की बात कही थी और आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। रणवीर, ये इस वक्त की बड़ी खबर हो जाती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में हालात सुधरे, इस बीच में लखनऊ में एक तरह से विराम लग गया, पॉजिटिव केसेस नहीं आए। आगरा में विराम लग गया जहां सबसे ज़्यादा केसेस शुरुआत में आए थे, लेकिन नोएडा में जो संख्या कम थी उसमें अचानक इतनी वृद्धि आई कि करीब 30 से ज़्यादा केसेज वहाँ पर अकेले रिपोर्ट हुए हैं। यानी पूरे यूपी का अगर मेरठ और उत्तर प्रदेश में नोएडा को मिला दे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, 13 लोग मेरठ में हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री आज खुद पहुंचे, उन्होंने डीएम को फटकार लगाई, कहा कि बकवास मत कीजिए, आपके बकवास की वजह से ही माहौल खराब हुआ है। जब 2 महीने पहले अलर्ट दिया गया था उसके बाद तैयारियां क्यों नहीं की गई? तो बीएन सिंह जो कि बहुत लंबे समय से करीब 3 साल से नोएडा के जिलाधिकारी, उन्होंने अपनी डीएम ना रहने की पेशकश की है और जिस तरह से मुख्यमंत्री का सख्त तेवर देखने को मिला है, वीडियो सामने आया है और नाराज है वो, ये जताता है कि मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर कितने संजीदा हैं। लगातार दिन हो रात हो मुख्यमंत्री बैठके कर रहे हैं, अलग अलग जगहों के तैयारियां कर रहे हैं और आज उन्होंने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी और ये अपील की है कि यूपी के रहने वाले जो भी लोग उनके राज्यों में हैं उनको खाने पीने रहने की। रणवीर, एक सेकंड रोक रही हूं।
जितनी सख्ती उतनी शक्ति। और इस एक घंटे में आपको मैं ये बता देना चाहती हूं कि चाहे वो दिल्ली के सीएम, चाहे वो यूपी के सीएम हो, इन दोनों की तरफ से वो सख्ती साफ तौर पर दिखी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी सख्ती साफ तौर पर दिखी है, डॉक्टर्स की तरफ से भी ये सख्ती नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने तो इतना गुस्सा दिखाया नोएडा के डीएम पर, जमकर क्लास लगाई और कहा बकवास बंद करो। सुनिए, बकवास मत बंद करो अपना, बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। यहां पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना, और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहां पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। मैं फिर बता दूं, हुआ यह है कि लखनऊ में केसेस कम हो गए, उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में जहां से कोरोना की संख्या आ रही थी संक्रमित लोगों की, वो कम हो गई, लेकिन नोएडा में अचानक बढ़ी है। और इसीलिए नोएडा के डीएम की जमकर क्लास लगी, उन्हें बकवास बंद करने के लिए कहा गया। उसके बाद नोएडा के डीएम ने बाकायदा मुख्य सचिव को उत्तर प्रदेश के एक लेटर लिखा और कहा कि हमें छुट्टी पर भेज दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, आप यूज टू मत हो जाइए, कोरोना से डर तो जरूरी है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।